नमस्कार दोस्तों, इंटरडेटेक मुंबई आपको ये स्पेशल वीडियो उन हमारे सगे संबंधी दोस्त मित्र घर परिवार के सभी सदस्यों के लिए मैं ये वीडियो मजबूरी में बनाने के लिए तत्पर हुआ। ये वीडियो स्पेशल अभी जो है आप सभी के लिए है। कोरोना टाइम में अभी जो जितने भी ये न्यूज चैनल वाले हैं अपने TRP बढ़ाने के लिए लोगों को रोगों को और अधिक बढ़ा रहे हैं। प्लीज़ आप सभी से, सभी देशवासियों से और जो भी देश के अभी नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं लोगों से आग्रह है मेरा कि आप कम से कम आप न्यूज और समाचार कोरोना से संबंधित देखिए। सेलेक्टेड न्यूज जिससे आपको प्रॉफिट हो, आपके सेहत में सुधार हो, ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज देखने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अवॉइड करें न्यूज को, क्योंकि ये एक ही न्यूज को अपने TRP बढ़ाने के लिए ये सारे न्यूज चैनल वाले लगभग यही करते हैं और लोगों के मानसिक स्थिति को और ख़राब करते हैं। हमारा आग्रह है कोटि कोटि सभी दर्शकों से, सभी देशवासियों से कि ये न्यूज चैनल के जो समाचार हैं कोरोना से संबंधित उसमें से सेलेक्टेड न्यूज देखिए जो अभी इस स्थिति में काम हो, क्योंकि ये ज़्यादा आपको प्रभावित पड़ता है मानसिक पे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक आदमी को फांसी की सज़ा नहीं हुई, उसको सांप से डंश कटवाने के लिए सज़ा हुई कि ये सांप के द्वारा इसको मारा जाएगा। उस सांप को दिखाया गया जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु होनी थी, सांप को जिंदा देखा उस व्यक्ति ने कि ये इसी सांप से हमारी मृत्यु होगी, और उस सांप को फिर उसको सामने खोल दिया गया और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दिया गया जिसकी सज़ा हुई थी। आंखों को पट्टी बांधने के बाद सांप के दंश के बराबर दो सुई उसी के सांप के दंश के बराबर बनाई गई और उसको पैर में चुभाया गया। वो चुभते ही वो आदमी मर गया। उसके बाद पोस्टमार्टम पे रिपोर्ट आई कि ये आदमी उस सर्प के दंश से नहीं, सिर्फ डर से वो मर गया था। तो मेरे कहने का मतलब कि ये भयावह स्थिति में आप न्यूज चैनलों से परहेज करिए, समाचार सेलेक्टेड देखिए और भरम में न रहिए। इंटरडेटेक मुंबई MBA BK सिंह का यह आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे चैनल पे आप आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल शेयर मार्केट से जुड़ी हर न्यूज और अपडेट करते रहता है और लोगों को प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।